फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी धनतेरस। माता लक्ष्मी आप सभी को बहुत सारी खुशियां दें और आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, यही मैं कामना करती हूं। और फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है मुझे भी और मैं उसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। हस्बैंड जी गए हैं लाने और मैं और मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से हम लोग शाम से ही इंतज़ार कर रहे हैं उस सरप्राइज़ का। तो क्या है मैं आपको बताती हूँ आगे, और मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, इंतज़ार तो खैर हम लोग एक साल से कर रहे थे इस चीज़ का, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी तो वो नहीं हो पा रहा था। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती थी, लेकिन आज फाइनली वो सपना पूरा होने वाला है जो सपना हम लोग बहुत दिनों से देख रहे थे कि अब पूरा होगा। लेकिन फाइनली आज धनतेरस के दिन पूरा हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बच्चे भी बहुत खुश हैं। बालकनी में बैठे हुए हैं दोनों, शाम से ही इंतज़ार कर रहे हैं डैडी का कि कब डैडी आएंगे और सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में और आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या है सरप्राइज़। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्विंकल यहाँ पर इंतज़ार कर रही है बिल्कुल पलकें बिछा के, और ये आदर्श इधर झूला पे बैठ के ये भी इंतजार कर रहा है। और मैं भी इंतजार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी न्यू कार आ गई है। और वैसे तो ये मंदिर से पूजा करवा के लाए थे, लेकिन फिर भी एक बार घर पे खुद से भी पूजा करनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। मैंने पूजा की थाली सजा रखी थी पहले ही, और मैंने बोला था इनको कि मंदिर से भी पूजा करवा के लेते आइएगा जिस टाइम लाएंगे। तो मंदिर से भी पूजा हो चुकी है और वहीं से पंडित जी ने सब कुछ कर दिया था, स्वास्तिक वगैरह सब कुछ बना दिया था। और यहाँ पे मैंने खुद से जैसे मुझे आता था वैसे मैंने थोड़ी बहुत पूजा कर ली है। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और एकदम अगल बगल घूम घूम के अंदर बैठ बैठ कर देख रहे थे और उसमें से निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। और सबसे ज़्यादा तो आदर्श खुश था क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे ही चलानी है कार, जब बड़ा हो जाऊँगा मैं तो मैं ही चलाऊँगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो खुश था और बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उसमें से उसने हॉर्न बजा बजा के पूरे कॉलोनी में शोर मचा दिया था। इसके डैडी चले गए थे ड्राइवर को छोड़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए आदर्श कितनी मस्ती कर रहा है अंदर बैठकर। दोनों अंदर बैठकर एक एक चीज़ की इंक्वायरी कर रहे थे, क्या है नहीं है, कैसे क्या लगा हुआ है, कहाँ क्या चीज़ रखने की जगह है, वो सारी इंक्वायरी ये लोग बैठ कर रहे थे और मैं इन्हें देख रही थी। बच्चे जब खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, तो बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी।
और बहुत ही दिनों के इंतज़ार के बाद जाकर फाइनली हमारे घर ये गाड़ी आई है। और कई बार बुकिंग हो चुकी थी लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी इसलिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज फाइनली आ गई गाड़ी। दोनों आके बैठ गए हैं इसमें। आज इसी में खाना पीना सोना होगा। आज निकलेंगे नहीं इसमें से। आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो फ्रेंड्स फाइनली सरप्राइज आ चुका है और देख लीजिए बहुत दिनों का सपना आज हो गया है पूरा। और सबसे ज्यादा खुश आदर्श है। मैं ही ना चलाऊंगा। अच्छा यही चलाएगा, अभी से चलाएगा तुम? सेकंड ड्राइवर मैं। अच्छा, आदर्श है सेकंड ड्राइवर। वो भी फोर्थ। सबसे नंबर लास्ट मेरा है। आपको आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी छोटी सी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को हैप्पी 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 दिवाली। आप सबके लिए ये दिवाली बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जिस तरह मेरे घर में खुशियां आई हैं उसी तरह आपके घर में भी बहुत सारी खुशियां आए। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। और आप सभी को हैप्पी दिवाली।